बिजनौर के गांव बुरहानुद्दीनपुर में हुए लड़की के साथ छेड़छाड़ मामले में आज लड़की के पिता शिवसेना प्रमुख के साथ थाने पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने उनकी लड़की को थाने में बैठा रखा है। हादसे की खबर मिलने के बाद वो केरल से बिजनौर पहुंचे हैं, लेकिन उनकी लड़की से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये कह दिया जाता है कि लड़की उनसे मिलना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी ओर आज मदरसे में SDM अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। उनकी टीम में उनके साथ नायब तहसीलदार सदर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लेखपाल आदि मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह मदरसा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त है। मदरसे में 8वीं क्लास तक लड़कियों को आलिमा का कोर्स करवाया जाता है और बाहर की रहने वाली लड़कियां मदरसे में ही रहकर तालीम हासिल करती हैं। SDM ने मदरसा संचालक से आलिमा के कोर्स और छात्रावास के बारे में पूछताछ की और कागजात दिखाने को कहा, लेकिन संचालक कोई कागज़ नहीं दिखा पाए, जिसके बाद आलिमा के कोर्स से संबंधित कक्षाएँ और छात्रावास, जिसके अंतर्गत कुल 3 दरवाजे और एक लोहे के चैनल को SDM ने कोतवाल के निरीक्षण में सील कर दिया है और उसकी चाबियां जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सौंप दी हैं। मेरा नाम अफजल है। आज आप थाने आए हैं, किस मामले को लेकर आए? मेरी लड़की के साथ मदरसे में जो दुष्कर्म हुआ था, इसलिए आए हुए हैं। अब मैं बाहर से आया हूँ, केरल से, तो परसों रात में आया हूँ। कल सुबह मैं यहाँ मिलने के लिए आया अपनी लड़की से, तो मैं अपनी मेरी लड़की से भी नहीं मिलाया मुझे, और पता नहीं उसको क्या बोला कि वो मुझसे मिलना भी नहीं चाह रही है। अब हम ये चाहते हैं कि उसे अपने साथ लेके जाएं, और जब जो उसके साथ हुआ है उससे हम भी पूछें, और पूछने के बाद हमें पता तो लगना चाहिए। हमारी आज तक उससे बात ही नहीं हुई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये लोग अपनी मर्जी से अपना आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप उसे सब सजा होनी चाहिए, और जो भी दोषी है इसमें उनकी निपट से जांच होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए उनके ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी वीर सिंह है। और आज आप थाने आए हैं, किस मामले को? हम थाने आए हैं एक मदरसे में जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके साथ रेप की घटना भी हुई। आज उसे 5 दिन हो गए पुलिस ने थाने में बैठा रखा, और खुद लड़की को बैठा रखा। जो एक आरोपी था वो गिरफ्तार कर लिया था, और जो आरोपी है उसकी माँ भी है, और भी है उसमें लिपते हैं, उन्हें भी पकड़ा नहीं। और ये लड़की के पापा जी हैं, ये आए, इन्हें भी उनसे मिलने लड़की से मिलने नहीं दिया। कल बेचारे ये चले गए यहाँ से आके, ये आज भी सुबह से पड़े हैं। अब ये हमारे पास आए, इन्होंने मदद की गुहार लगाई, तो हम इनकी मदद करेंगे। अगर आज इनसे अगर जो नहीं मिलन देते ये उस लड़की से, और लड़की को ये नहीं भेजते, तो हम फिर परसों सोमवार के दिन कप्तान साहब के हैं धरना प्रदर्शन करेंगे, और सैकड़ों शिव सैनिक इन्हें साथ लेकर मिलेंगे।